तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बीए या बीएससी करके आप आईटी में आ सकते हो। आईटी इन द सेंस कि आप चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, ऐप डेवलपर हो, या नेटवर्किंग हो, या सर्वर हो, या लिनक्स हो, या क्लाउड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, किसी भी तरीके की। अगर मैं ऑल आईटी सर्विस की बात करूं, क्या आप बीए बीएससी करके उसमें आ सकते हो? का आंसर होगा वो यही होगा कि यस, आप आ सकते हो। अब आप आ कैसे सकते हो, ये नहीं कि आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया तो चलो हम आईटी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपको पहले उस प्रोफाइल की अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फॉर सपोज आपने बीए किया है, आपने बीए किया एंड आप 2022 के पास आउट हो, तो आप कहीं से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप अच्छी सी ट्रेनिंग लो। कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे, फॉर सपोज मैं मानता हूँ कि आप आईटी सपोर्ट में आना चाहते हो या डेस्कटॉप सपोर्ट में आना चाहते हो, तो आप कहीं से 3-4 महीने की ट्रेनिंग लो। इसके बाद जॉब सर्च करना शुरू करो, और कहीं भी आप एक स्मॉल स्टार्टअप में पकड़ो या एमएनसी में भी पकड़ो, जो थर्ड पार्टी के ऑन रोल पे होते हैं ना, वो इनिशियल कैंडिडेट को जॉब बहुत जल्दी देते हैं। मतलब सैलरी नहीं देते हैं, 12-15 हज़ार ऐसी को सैलरी आपको देंगे। मैं दिल्ली एनसीआर का बता रहा हूँ आपको पैकेज, जो थर्ड पार्टी पर आपको फ्रेशर पर मिलता है। इन एंड अराउंड मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको 12-15, कई कंपनी 20 भी दे देती हैं, कई कंपनी 12 भी देती हैं, तो मतलब 10-20 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो वो एमएनसी कंपनीज थर्ड पार्टी पे आपको जल्दी हायर कर लेती हैं, आपको कम सैलरी देती हैं। तो करना क्या है आपको, आपने अगर बीए किया है और इसके बाद में हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स करो या मतलब सॉफ्टवेयर, देखो मैं आपको बता दूं, अब जब आप फ्रेशर होते हो, इनिशियल होते हो ना, बीए वगैरह की ये होता तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर लाइन में जाते हो या कोडिंग में जाते हो, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाते हो, लिनक्स जाते हो, डायरेक्ट आप सर्वर पर जाते हो, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हो आप, और इसके बाद में एकदम टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आप पहले जब आप सोचो, ये मत सोचो कि नहीं मुझे डायरेक्ट लिनक्स का एडमिन बनना है, मुझे डायरेक्ट कोडिंग में ही जाना है, तो आप कोशिश करो कि पहले सपोर्ट की जॉब करो। वो कैसे मिले, आई एम श्योर कि अगर आप 2 से 3 महीने पढ़ाई कर लेते हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, आपको सपोर्ट की जॉब 100% मिल जाएगी। ठीक है, अब वहाँ पे आप 1 साल 2 साल 3 साल जॉब करो, इसके बाद जॉब करने के बाद फिर आप बैकएंड में अपनी प्रिपरेशन करते हो। जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब आपका ग्रेजुएशन एक साइड हो जाता है। मतलब कि सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पे रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन किया, किसमें किया, नो मैटर, आपके पास एक्सपीरियंस है और नॉलेज है। जब भी आप कंपनी को स्विच करते हो, वो आपके पास नॉलेज है इंटरव्यू क्रैक करने की ना, नो मैटर आपका ग्रेजुएशन बीए है कि बीएससी है कि बीटेक है। और इसके बाद अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट सपोर्ट की नौकरी को छोड़ के, उसकी जॉब को छोड़ के ना, आप अगर आप क्लाउड में जाना चाहते हो, कोडिंग में इंटरेस्ट है ना, तो पाइथन वगैरह सीख के, मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं जब आप किसी सपोर्ट की जॉब करते हो। बट आपको फिर कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कॉन्टीन्यूसली आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो फाइनली यही दोस्तों, अगर आपने किया है तो आप जी हाँ आईटी की फील्ड में आ सकते हो, बट आपको ट्रेनिंग्स वगैरह लेनी पड़ेंगी, सीसीएनए या सीसीएनपी या एमसीएसए या लिनक्स या हार्डवेयर नेटवर्किंग, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, ये जो बेसिक लेवल की ट्रेनिंग्स होती है ना, वो आपको स्टार्टिंग में लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। तो बच्चा दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।